हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम देखेंगे क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल लास्ट फ्यू डेज एक रेंज में चल रहा है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये लार्ज रेंज में चल रहा है, राइट। तो यहां से एक चांसेस है फिर से ऊपर जाने का, और ये क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेंज मैंने कनेक्ट किया हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट को, तो हमें मिला थर्ड लोअर पॉइंट। तो यहाँ से एक्जैक्टली रिवर्स हुआ मार्केट, तो यहाँ से फिर से 4000 का आसपास जा सकता है मार्केट, लेकिन फिर भी यहाँ पे और एक रेंज चल रहा है, राइट। अभी आप देख सकते हैं ये जो हायर रेंज बनाया था, राइट, हायर रेंज बनाने के बाद ये एक छोटा रेंज में चल रहा है, राइट, स्मॉल रेंज लाइक हियर। और ये 200 का नीचे से मार्केट 200 का ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से जो यहाँ पे रेंज था रेंज के आसपास आया, फिर से यहाँ से बाउंस हुआ तो 200 के लिए। तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट फिर से एक रिवर्स होने का, राइट, बाउंस होने का। तो फिर भी आप यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लार्ज रेंज में भी चल रहा है, जैसे ये लार्ज रेंज था ना, ये भी चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बाउंस नहीं होके फिर से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, राइट। यहाँ पे दो ऑप्शन अभी मिला, तो नहीं तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है ये जो लोअर पॉइंट के लिए, तो यहाँ से फिर रिवर्स होने का चांसेस है। तो अभी हमको ट्रेड कहाँ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया बाय सेल के लिए ये रीजन में, तो उसका ऊपर में आप ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट किया है, राइट, यहाँ पे जो हायर पॉइंट, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया और 200 भी साथ में, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा, सॉरी रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर सेल ले लिया तो इसका ऊपर थोड़ा ऊपर आप अराउंड 4000 का, 4010 का आसपास आप ऐसे लगा सकता है, राइट। तो अगर नीचे आ गया अराउंड 3800 के आसपास, तो यहाँ से क्लोज होने का हो जाना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पॉइंट है प्रीवियसली, राइट। तो यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स हो जाए, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।